आरबीआई ने सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर सरकार को ट्रांसफर करने की बात कही है। रिजर्व बैंक बोर्ड की आज हुई बैठक में यह फैसला सामने आया है। अब यह पैसा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए होगा। आरबीआई ने कहा कि FY24 का सरप्लस ट्रांसफर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर आधारित है। बिमल जालान कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने इस फ्रेमवर्क को 2019 को स्वीकार किया था। ये डिविडेंड सरकार की उम्मीद से काफी ज्यादा है, इनफैक्ट कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा है। रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़। यह ट्रांसफर FY24 के लिए, लेकिन सरकार के FY25 के अकाउंट में दिखेगा। ज्यादा डिविडेंड से सरकार ज्यादा खर्च कर पाएगी। इस पर थोड़ा सा और डिटेल्स हम लेंगे, लेकिन पहले इस पर जो रिएक्शंस आए हैं मौजूदा फिनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी की ओर से, जरा उसे सुन लेते हैं। क्या फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो रेगुलर बजट में आपके सामने रहेगा, बट इट मेक्स, लेकिन 2,00,000 करोड़ हमारे जो इंटरिम बजट में एस्टिमेट है उससे ज्यादा है, काफी ज्यादा है। How much more, sir, would it be like 50% higher? 1,50,000 you are expecting, or 1 or 2 was the full number? It would be definitely 0.2-0.3% higher than what we expected. पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तरह तरह के, यस सर गुड इवनिंग सर। ये तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं सर इस अमाउंट को लेकर, थोड़ा सा हमें समझाएं। ये ऐसा होता है कोई टाइम वगैरह को लेकर आपके दिल में कोई बात जो आप साझा करना चाहें? देखिए मैंने ये पिछले हफ्ते एक इस पे पीस लिखा था, आपके अच्छा, ध्यान में नहीं आया जी। ये कयास कह लीजिए आप, बट मेरी एनालिसिस आरबीआई के डेटा के ऊपर थी कि लगभग आरबीआई इस बार 1.5 लाख करोड़ के आसपास डिविडेंड देगा। उसके पीछे मेरा लॉजिक ये था कि नई सरकार आएगी, चाहे सेम कंटिन्यू करे या नहीं आए, और गवर्नर दास जो हैं वो बड़े समझदार गवर्नर हैं और वो नई सरकार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे सकेंगे दे सकते हैं। आप की जानकारी के लिए आरबीआई का जो डिविडेंड है वो मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो आरबीआई को इंटरेस्ट के बतौर कितना पैसा मिलता है, दूसरा आरबीआई के पास अपने फॉरेन एक्सचेंज जो हैं उस पर उनकी कितनी आमदनी होती है, और तीसरा जो एक असामान्य तरीका है जो सामान्यतः आरबीआई इस्तेमाल नहीं करती है वो ये है कि आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज़ हैं स्पेशली विदेशी सिक्योरिटीज वो सस्ते में ली हुई हैं। अगर आप उनको बेच दीजिए और बेच के वापस खरीद लीजिए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिशन रिजर्व बैंक के पास रहता है। विमल जालान कमेटी के हिसाब से आपको अपने कैश का रिजर्व रखना होता है 5.5-6.5% असेट्स के बराबर, और दूसरा जो आपको वैल्यूएशन जो गेंस है उसको 13.5-18% के आसपास रखना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों को आप अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली करें तो आप जो वैल्यूएशन गेंस हैं उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा अनुमान ये है कि आरबीआई को अपनी ऑपरेशनल इनकम्स में कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई होगी, लेकिन आरबीआई ने काफ़ी सारा पैसा, अब ये तो नंबर अभी आरबीआई की जब बैलेंस शीट आएगी तब पता लगेगा, लेकिन लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का जो वैल्यूएशन गेंस है उसको आरबीआई ने कैश गेंस में कन्वर्ट कर लिया है।
उससे आरबीआई न केवल अपने कैश रिजर्व में पूरा 6.5% पैसा रख पाया है, बट सरकार के लिए जो डिविडेंड है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में 2.11 लाख करोड़ जो है वो दे दिया है। तो ये आरबीआई की मैकेनिक्स हैं जिसके जरिए आरबीआई डिसाइड करती है कि उसको कितना प्रॉफिट कमाना है और उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड सरकार को देना है। ओके तो जो मैं समझ पाया हूँ, मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूँ। सर का दरअसल ये कहना है कि कई लोग इसे इस तरह भी देख रहे हैं कि इतना लार्ज डिविडेंड आरबीआई इसलिए दे रहा है क्योंकि आरबीआई के पास भी कमाई आई है और उसका वो एक हिस्सा सरकार को दे रही है। लेकिन सरकार का कहना है, सॉरी सर का ये कहना है कि कमाई शायद उतनी नहीं हुई है जितना ज़्यादा मात्रा में गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया गया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर रेज होता है। एक और सर जो इसका बार बार जब जब, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि जब जब आरबीआई सरकार को डिविडेंड देती है तो एक एक रिड्यूस्ड इंडिपेंडेंस का क्रिटिसिज्म भी निकल कर आता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो फिनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो शायद पॉलिटिकल कंसिडरेशंस से इन्फ्लुएंस होकर लेता है। क्या ये इतना प्लेन एंड सिंपल आर्ग्यूमेंट है सर? देखिए, आरबीआई एक्ट के हिसाब से सारा जो प्रॉफिट है वो आरबीआई को भारत सरकार को देना होता है। केवल उनके लिए जो ज़रूरी प्रोविजंस हैं उनको छोड़ के उतनी सीमा तक रखते हुए। अब कुछ साल पहले से आरबीआई ने एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के नाम से एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें वो काफ़ी पैसा रखने लग गए अपने पास में। सो ये और विमल जालान कमेटी ने भी उसको लेजिटिमाइज कर दिया और काफ़ी पैसा आरबीआई के पास रख गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कैश रिजर्व बनाते हैं उसमें 5.5 से 6.5% रखना होता है। अब आपकी बैलेंस शीट 70 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़ के बीच में हो गई है, तो 70 लाख करोड़ का अगर 1% का भी प्ले है आपके बीच में 5.5 से 6.5%, तो आरबीआई ये डिसाइड कर सकती है कि 70,000 करोड़ देने हैं या रिजर्व में रखने। करेक्ट। इसी तरह से जो दूसरा मैंने आपको, आप थोड़ा सा पॉइंट स्लाइटली मिस कर गए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं किया था। ओके ओके। कि आरबीआई के पास दूसरा वैल्यूएशन गेन्स काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। ओके। आपने डॉलर खरीदे थे 60 रुपये में, आज डॉलर 80 रुपये में है, तो अगर आपके पास जो डॉलर सिक्योरिटी आप 60 रुपये वाली आप उसको बेच दीजिए 80 रुपये में और दूसरी बार वापस से 80 रुपये में खरीद लीजिए, तो आपकी किताबों में 20 रुपये का गेंस आ जाएगा। इस तरह के करीब 13-14 लाख करोड़ रुपए के प्रॉफिट इकट्ठे हुए हैं आरबीआई के पास वैल्यूएशन गेंस के रूप में। अब उनको अगर आप कैश में कन्वर्ट करना चाहें, ये भी आपका डिस्क्रिशन है, आप ना करें तो ये चीज़ें जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपने सवाल पूछा कि भाई इंडिपेंडेंस का इससे क्या रिश्ता, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस से इसका कोई खास रिश्ता नहीं माना जाना चाहिए। ओके। आरबीआई को सारा प्रॉफिट जो है वो भारत सरकार को दे देना चाहिए। अनावश्यक रूप से वैल्यूएशन गेन्स को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करके प्रॉफिट नहीं देना चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर आरबीआई गवर्नर की प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन जितना भी ऑपरेशनल प्रॉफिट आपको आरबीआई में हो उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, उसका रिश्ता इंडिपेंडेंस से नहीं जोड़ना चाहिए। ऑलराइट। ये कि भाई हम रख लेंगे तो हम इंडिपेंडेंट हैं और दे देंगे तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये डिबेट जो है वो उचित नहीं। ऑल राइट सर, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको सिंप्लीफाई करने की प्रक्रिया में अगर कहीं पर हल्का फुल्का भी अगर इंटरप्रिटेशन में अगर स्लाइटली भी इधर उधर जाते, क्योंकि ये फिनेंशियल मैटर्स हैं, छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं, तो अच्छा हुआ सर आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। अब आते हैं सर एक और जो बड़ा जनरलाइज सा एक परसेप्शन है कि साहब सरकार के पास आए। अच्छा, पहले तो सर हमें ये बता दीजिए कि कुछ लोग इसे मौजूदा इलेक्शन से भी जोड़ रहे हैं, तो क्या ये पैसा एकदम से सरकार के पास चला जाएगा, एकदम से सरकार के पास ताकत आ जाएगी कि वो इलेक्शंस में अपने लिए थोड़ा सा रूम स्पेस निकाल पाएं, या ये थोड़ा बाद में आएगा, तब तक इलेक्शन शायद हो चुके होंगे, थोड़ा सा ये भी समझा दीजिए सर। नहीं, ये आरबीआई ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में ये आरबीआई भारत सरकार को ट्रांसफर कर देगी,
उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और 4 जून के बाद ही आएगा सर, मतलब इस महीने के आखिर में भी आ सकता है। ओके। और नहीं तो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में तो निश्चित रूप से आ जाएगा। ओके। दूसरा, इसको अभी जो गवर्नमेंट है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में काम कर रही है, कोई आप नई नीति या कोई नया प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते, इसलिए ये गवर्नमेंट अभी तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन इसका इसका रिफ्लेक्शन जो है आपको बजट में मिलेगा। बजट के समय गवर्नमेंट वापस से अपनी सारी आमदनियों को और खर्चों को अनुमान लगाएगी। मेरा अपना समझ ये है कि ये जो 1.25 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये वैसे आप देखें 45 लाख करोड़ के मुकाबले में 1.25 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2-1% से भी के आसपास ही मुश्किल से होता है। तो इसको आप इस्तेमाल, अगर आप ये माने कि भाई आपने जो इंटरिम बजट में खर्चे का अनुमान लगाया था, आप उन खर्चों को उसी तरह से रखेंगे, तो ये पैसा आप अपने जो फिस्कल डेफिसिट है, बोरोइंग को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, नई सरकार, और पहले साल में काफ़ी कुछ, और जिस तरह का कॉम्पिटिटिव इलेक्शन हमने इस देश में अभी देखा है, अभी तो चल ही रहा है, दोनों फॉर्मेशंस में कोई भी सरकार बनाए, मेरा अपना अनुमान ये है कि वो दोनों पक्ष जो हैं वो खर्चे को बढ़ाएंगे। चाहे ये गवर्नमेंट वापस आती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ सकता है, कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स जैसे गेहूँ, ये फूड सिक्योरिटी और ये LPG वगैरह, इस तरह के प्रोग्राम पे बढ़ोतरी हो सकती है। और जो दूसरी अगर फॉर्मेशन आती है तो बहुत सारा जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन, महिलाओं को ट्रांसफ़र करना वगैरह के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी। तो अभी आप इस पे ये मत मान के चलिए कि कल से ही सरकार किसी चीज़ पे खर्च करने के लिए सक्षम हो जाएगी। उसके लिए बजट होना चाहिए, बजट में सेंक्शन होनी चाहिए, और अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। एब्सोल्युटली सर, मेरा दरअसल अगला जो संभावित सवाल था वो आने वाले बजट से रिलेटेड था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उस सवाल को भी एक्सप्लेन कर दिया उसको समाहित करते हुए। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि ये अब गवर्नमेंट कोई भी बनाए, बट जो भी नई सरकार आएगी, हमें लगता है कि यू नो उसकी इंक्रीज स्पेंडिंग, थोड़ा सा फिस्कल स्टेबिलिटी के हिसाब से, और जो डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है जैसा सर कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक स्पेस ज़्यादा ज़रूर बढ़ाएगी। तो इसके असली दरअसल इम्पैक्ट्स हम देखेंगे जब फुल बजट आएगा इलेक्शंस के बाद। इमीडिएटली जो लोग भी इलेक्शन से जोड़ रहे हैं, संभवतः वो जल्दबाजी है जैसा कि सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए, बहुत अच्छे से समझाया आपने इस मुद्दे को। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बेहतर इस मुद्दे को कोई और अच्छे से नहीं समझा सकता। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू सर।